मूंगफली की चटनी के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। मूंगफली ले लिया, ये रोस्टेड है। पीनट अगर आप चाहे तो इसके छिलके हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। अगर फटाफट बनानी है तो छिलके हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट ले लिया रोस्टेड मूंगफली। और देखिए 3-4 कलियाँ है लहसुन की, ये अदरक का एक टुकड़ा, 2 मिर्ची और ये करी पत्ते हैं कुछ। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। इसको मिक्सी में डाल लेंगे, जार में डाल लिया मैंने। ये में थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पीसने में फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अब इसको पीस लेते हैं। देखिए हमारा ये चटनी पीसकर रेडी है। अब इसमें बस नमक मिला लेंगे और चाहे तो आप राई और करी पत्ते के तड़के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑलरेडी करी पत्ता डाला है इसलिए करी पत्ता तो नहीं डालूंगी, राई के तड़के लगा दूंगी। देखिए इसमें चटनी में मैं नमक मिला रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के अनुसार मिला ले। गैस ऑफ कर दिया मैंने, अब इसको तड़का लगा दिया।